हाय गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू चैनल एंड गाइस आज की इस वीडियो में ऐसे ही बोल रहा हूं मैं। हाय गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू चैनल एंड गाइस आज की इस वीडियो में करने वाले हैं बहुत ही कमाल की लाइट रूम एडिटिंग। रिसेंटली हम लोगों ने एक बहुत ही कमाल का फोटोशूट किया था रिवर साइड पे जाके एंड मैंने उसका व्लॉग भी डाला यूट्यूब चैनल पे अपने। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी क्या ही गलती भाई साहब, ये रहा लिंक देखो। अब इस वाले व्लॉग में एक फोटो बहुत ही कमाल की थी एंड उसमें जो कलर टोन थी ना वो बहुत ही ऑसम थी। मैंने अपनी 3-4 फोटो में सेम कलर टोन पेस्ट की थी एंड मेरी सारी फोटो बहुत ही ऑसम लगी उस कलर टोन से। एंड आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे यार ये वाली कलर टोन कौन सी है एंड इसका ट्यूटोरियल लेके आओ एंड प्रीसेट भी। तो इस वाली कलर टोन को मैंने नाम दिया है कॉफी ब्राउन। कॉफी ब्राउन इसलिए क्योंकि कॉफी ब्राउन कूल लग रहा है इसलिए। तो कैसे आप भी अपनी फोटो में कॉफी ब्राउन सॉरी गाइस, तो कैसे आप भी अपनी फोटो में बहुत ही कमाल की कॉफी ब्राउन टोन डाल सकते हैं बहुत ही कम टाइम में और इवन नो टाइम प्रीसेट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। ओके तो सबसे पहले आपको दिखाता हूं अपनी फोटोज को जो मैंने इसमें एडिट की थी स्टोन में एंड आपको किस टाइप की फोटो अपनी पिक करनी है। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा बहुत नेचर हो और जहाँ पे आप चाह रहे हो कि मस्त एक सिंगल कलर टोन पूरी फोटो में आ जाए कॉफी वाली ब्राउन टोन आ जाए उस टाइप की फोटो आप अपनी पिक कर सकते हो। मेरे पास मेरी ये 5-6 फोटोज है इनको हम एडिट करने वाले इस कलर टोन के साथ। तो जस्ट मैं अपनी एक फोटो उठाता हूं एंड इसको दिखाता हूं कैसे मैंने एडिट किया था। ओके तो गाइस ये मैंने सारी फोटोज को इंपोर्ट कर लिया जिनको मैं एडिट करने वाला हूं एंड ये रहा प्रीसेट व्हिच इज कॉफी ब्राउन टोन। तो जस्ट आपको यहां पे 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड अपनी सेटिंग को करना है यहां से कॉपी। ओके एंड करते हैं इसको टिक। अब जस्ट आपको अपनी फोटो को ओपन करना है ठीक है। मेरे पास मेरी एक ये फोटो है पहले इसको देखते हैं फुल फोटो में 3 डॉट कॉपी एंड आर यू गाइस रेडी पेस्ट। डैम भाई साहब जस्ट एक प्रीसेट देख रहे हो कॉपी और पेस्ट मारना फोटो आपकी बहुत ही अमेजिंग बन जाएगी। और जो मेरी हाफ वाली फोटो है इस पर देखते हैं एक बार कॉपी तो हो रखा था और पेस्ट करते हैं एंड गाइस क्या ही प्यारी कॉफी ब्राउन वाली टोन आ रही है। मतलब फोटो में ना हल्की सी मैंने ब्राउन टोन डाल रखी है और स्किन टोन्स को हल्का सा रेड कर रखा है ताकि बिल्कुल ऐसे सेक्सी सा लगे। मतलब और जो भी फोटो थी हमारी इस पर भी देखते हैं लगा के पेस्ट। तो भाई साहब क्या ही लग रही है कलर टोन। मतलब ये ना बहुत ही सटल सी कलर टोन है ज्यादा इसमें खास इफेक्ट नहीं है कोई। ये नहीं कि आपकी फोटो बहुत ही नीली से पीली बन जाएगी या कोई कलर बहुत चेंज हो जाएंगे बट हाँ आपकी फोटो को एनहांस कर देगा काफी सटल तरीके से और आपकी फोटो मतलब देखने में बहुत ही कूल लगेगी। तो अब जानते हैं कैसे आप इस टाइप की एडिटिंग मैनुअली कर सकते हो। वैसे तो आई नो आप लोग मैनुअली करने वाले नहीं हो लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। ये रहा प्रीसेट सॉरी प्रीसेट छोड़ो मैं आपको फोटो की सेटिंग दिखाता हूँ। ये रही फोटो हमारी। सबसे पहले बेसिकली मैंने लाइट को एडजस्ट किया फोटो के हिसाब से। तो ये तो आप पर्सनली अपनी फोटो के हिसाब से कर सकते हैं बट हाँ थोड़ा ध्यान रखना ब्लैक फोटो में ज्यादा रहे क्योंकि हमें फेड ऐड करना है और फेड कैसे ऐड करना है कर्व में चलेंगे एंड यहाँ से देखिए जस्ट मैंने क्या किया शेडो थोड़ा उठा दिया है ताकि थोड़ा सा फेड ऐड हो और हाईलाइट को भी थोड़ा सा डाउन किया यहाँ से। तो बाकी यहाँ पे और कोई कलर में नहीं छेड़ा मैंने डन करते हैं इसको। इस बार जस्ट आपको जाना आगे और फोटो में हल्की से आपको वाइब्रेंस बढ़ा देनी है और मिक्सर में आके आप हर कलर का देख लेना क्या सेटिंग रखी मैंने। थोड़ी सी स्किन टोन हमारी है इसको रेड साइड रखा हुआ मैंने एंड जो येलो है इसको मैंने हल्का सा ऑरेंज कर दिया है ताकि फोटो में थोड़ी सी ऑरेंज टोन आए लेकिन इसका सैचुरेशन कम रखा हुआ है ताकि ऑरेंज इतना ज्यादा दिखे भी ना और फोटो थोड़ी सी ब्राउन सी लगे। बाकी तो और कोई कलर जो है जैसे ग्रीन कलर मैंने जीरो कर दिया है और ये जो कलर है इनकी सेटिंग इस टाइप से है ठीक है। तो ये करने के बाद आपको जस्ट आना है कलर ग्रेडिंग में और ग्रेडिंग में देख लेते हैं। तो शेडोज में हल्की सी मैंने ये ब्लू टोन डाल रखी है जो कि बहुत ही कम दिख रही है मतलब बिल्कुल ही कम एंड हाईलाइट्स में हाईलाइट के लिए मैंने रेड टोन चूज किया ताकि आपकी स्किन जो है रेड या फिर येलो के बीच में जो होता है कलर वो रह जाए। इसके अलावा बाकी इसमें मैंने कुछ नहीं कर रखा बस हल्की सी विनियट कम कर रखी है इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और बाकी सब चीज़ प्रीसेट की आप अपनी फोटो के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपकी फोटो थोड़ी डल हो तो आप उसका ऐसे एक्सपोजर भी बढ़ा सकते हैं जैसे देखते हैं थोड़ा सा ये देखिए। तो ऐसे आप अपनी फोटो के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं एंड वैसे बहुत ही इजीली आपकी फोटो इस प्रीसेट से ही एडिट हो जाएगी आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। प्रीसेट पेस्ट करो बाद में आपकी फोटो में जो भी चेंजेस आपको करने उसके हिसाब से करते रहो एक बेसिक आपको कलर टोन प्रीसेट से ही मिल जाएगी। सो दैट्स इट गाइस ये फोटो मुझे काफी अच्छी लग रही है एंड आई थिंक आपको भी काफी अच्छी लग रही होगी। अब अगर आपको भी ये वाली कलर टोन पेस्ट करनी है अपनी फोटो में तो प्रीसेट डाउनलोड करिए एंड जस्ट यूज करिए। प्रीसेट बहुत ही कमाल का इस वाली कलर टोन का मैंने बना रखा है जिसको आप फ्री में एग्जैक्टली फ्री मतलब बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पे जाओ प्रीसेट को डाउनलोड करो और जस्ट प्रीसेट की सेटिंग को कॉपी करो अपनी फोटो पेस्ट करो एंड आपकी फोटो और वो भी बस 2 क्लिक्स में एक डाउनलोड का और दूसरा सब्सक्राइब बटन। सो इतने था इस वाली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी और आपने काफी कुछ नई कलर टोन इसमें सीख लिया और प्रीसेट आपको मिल चुका फ्री में तो डाउनलोड जरूर से कर लेना। एंड हाँ अगर आपको एक और प्रीसेट चाहिए बहुत ही कमाल का जो कि बहुत ही ऑसम है ब्लैक टोन प्रीसेट तो ये रही वीडियो देखो कैसे मैंने इसको एडिट किया था और कैसे आप इस प्रीसेट को डाउनलोड भी कर सकते हो। चेक इट आउट मैन।